हांसी में सरपंच एसोसिएशन द्वारा सरकार की ई टेंडरिंग प्रणाली के विरोध में बीडीपीओ ब्लॉक में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। सरपंचों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सरपंचों ने मांग पूरी न होने तक धरना जारी रखने का निर्णय लिया। साथ ही सरकार को समस्याओं का समाधान करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। सरपंच प्रदीप लादी व सुरेंद्र गहलोत व श्याम खांडा ने सरकार से मांग की है कि ग्राम पंचायतों को 20 लाख रुपए तक के कार्य करवाने की छूट दी जाए। 20 लाख से ऊपर के कार्यों की ई टेंडरिंग होनी चाहिए। अगर सरकार ने ग्राम पंचायतों की इस मांग को जल्द मानने का काम नहीं किया तो हरियाणा की सभी सरपंच एसोसिएशन संगठित होकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेंगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि सरपंच नव वर्ष की शुरुआत आंदोलन के साथ कर रहे हैं। ई टेंडरिंग के माध्यम से विकास कार्यों में गुणवत्ता नहीं रहती। ठेकेदार अपनी मन मर्जी से आधा अधूरा काम करके भाग जाते हैं। इसके कई उदाहरण गांव में देखने को मिल रहे हैं। सरपंचों ने कहा कि सरकार सरपंचों को प्रदर्शन के लिए उकसा रही है। सरपंच गांव के विकास के लिए ये मांग कर रहे हैं। अगर सरकार उनकी मांग को अनदेखा करती है तो आने वाले दिनों में सरपंच एसोसिएशन बीडीपीओ ब्लॉक को ताला लगाएगी। हमारा जन आंदोलन है जी, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक धरना हमारा चालू रहेगा। और हमारी डिमांड सिर्फ एक ही है, जो 2 लाख की पावर है ना वो 20 लाख की कर दी जाए, और इससे अलग कोई वो नहीं हमारा। तो इसके बारे में आपने कल इनको आश्वासन, कल इनको अपने माध्यम से क्या बात हुई, बातचीत हुई इनके साथ? इन्होंने हमारे को आश्वासन दिया जी, जो हमारा ज्ञापन हमने इनको सौंपा विज्ञापन वो आगे पहुंचाएंगे, और जो भी आगे से बात होगी हमारे पास रखेंगे। तो और हम सोच रहे हैं कि हमारी जल्दी मांगे मान ले तो हम हमारे गांव में हमारी गांव के जितने सरपंच ये B1 से और B2 से जितने सरपंच आ रहे हैं सारे भाई इस आस्था से लेके सरपंच बनेगी, हम हमारे पंचायतों में अच्छा काम कराएं ताकि पंचायत में अच्छा काम हो। आप सोचो कि सबसे पहले तो 2 साल होगी नालियां हैं, सबसे पहले नालियां के ऊपर जो जाली है वो खराब है। अल्टीमेटम है, यदि 15 दिन तक सरकार ने मान मांग ली तो ठीक है, नहीं हम हरियाणा में जितने भी ब्लॉक है ब्लॉकों के सभी के ताले लगवाए गए, बाहर न बैठांगे, नाराबाजी और भी होगी। तो इटेंडिंग से किस तरह की समस्या हो? इटेंडिंग के समस्या तो आपने हमारे गांव में जाके देख भी लिया, आज दयाल सिंह कॉलोनी में गए थे आप सुबह, क्योंकि पहले 11 लाख रुपए एक्शन ऑफिस थे, ई टेंडर हो लिया है, कथित 3 नंबर की ईंट लगने लग रही थी, हम इसी का बहिष्कार करें ताकि सरपंच की छवि को बेकार न करें ठेकेदार। अगर आपकी बात सरकार नहीं मानती तो कब तक धरना आपका जारी? 15 दिन तक रहे, उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती तो फिर ब्लॉक वाइज ताले लगा देंगे, ऑफिसर बंद है।